चमनपुर गांव में एक कुआं था। गांव के लोगों के लिए पानी का वही एक सहारा था। पूरा गांव उसी कुएं से पानी भरता था। एक बार गांव में वह कुआं सूख जाता है, जिस कारण पूरे गांव में पानी की समस्या हो जाती है। गांव में सभी परेशान होते हैं। गांव वालों, अब हम गांव के लोगों का क्या होगा? हमें पानी कहां से मिलेगा? हमारे गांव में एक ही कुआं था, वो भी सूख गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? हमें पानी कहाँ से मिलेगा? तभी गांव के जमींदार सेठ रघुनाथ और उनकी पत्नी मालती वहाँ से गुजरते हैं और गांव वालों को एक पास इकट्ठा देखकर उनके पास जाते हैं। क्या बात है गांव वालों, आप सब इस तरह यहाँ एक पास क्यों इकट्ठा हैं? गांव वाले जमींदार को अपनी समस्या बताते हैं। जमींदार साहब, आपको तो पता ही है कि हमारे गाँव में एक ही कुआँ है और पूरा गांव इसी कुएं से पानी भरता है, लेकिन आज उस कुएं में जरा सा भी पानी नहीं है। कुआं पूरी तरह सूख गया है। जमींदार साहब, ऐसे में गांव को पानी कहां से मिलेगा? अरे, ये तो सच में गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, आप सब चिंता मत कीजिए, गांव की समस्या का समाधान करना तो मेरी जिम्मेदारी है। अभी हम मंदिर जा रहे हैं ईश्वर से औलाद पाने की प्रार्थना करने। इसके साथ ही अब हम ईश्वर से पानी की समस्या के लिए भी प्रार्थना करेंगे। ये कहकर जमींदार मंदिर आ जाता है और मंदिर में प्रार्थना करता है। हे देवी, आज हम फिर आपके पास अपनी प्रार्थना लेकर आए हैं और आज मेरी दो समस्याएं हैं। देवी माँ, पहली समस्या जिसे लेकर हम हमेशा आपके पास आते हैं, देवी माँ, हमारी कोई औलाद नहीं है, हमें एक औलाद दे दो। और दूसरी समस्या ये है, गांव का कुआं सूख गया है, गांव वालों को पानी की बहुत दिक्कत है, उस कुएं को पानी से भर दो देवी माँ। जमींदार देवी माँ से प्रार्थना करके अपने घर जाता है और उसी रात देवी माँ जमींदार के सपने में आती हैं। रघुनाथ, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अच्छे स्वभाव और दयालुता से मैं बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जल्द ही तुम्हारे घर में एक बेटे का जन्म होगा। सुबह जमींदार यह सारी बात अपनी पत्नी मालती को बताता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। क्या सच में देवी माँ ने आपको सपने में दर्शन दिए? हाँ मालती, देवी माँ ने सच में मुझे दर्शन दिए और कहा हमारी मनोकामना जल्द पूरी होगी। कुछ दिन बाद रघुनाथ के घर एक बेटे का जन्म होता है। सभी बहुत खुश होते हैं। एक दिन गांव वाले रघुनाथ के पास आते हैं। गांव वालों को देख रघुनाथ कहता है, अरे गांव वालों, आओ आओ, कैसे हो तुम सब? जमींदार साहब, बेटे के जन्म की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गांव वालों, बताइए आपकी क्या समस्या है? जमींदार साहब, आप तो जानते ही हैं, हमारे गांव का कुआं कितने दिनों से सूखा पड़ा है, पानी की बहुत ही दिक्कत है पूरे गांव में। जमींदार साहब, आपने गांव वालों से वादा भी किया था, आप देवी माँ से कुएं में पानी की समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, मुझे याद है। ठीक है गांव वालों, आप सब भरोसा रखिए, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, मैं एक बार फिर से देवी माँ से प्रार्थना करूँगा। तभी रघुनाथ मंदिर जाता है और कुएं के पानी की समस्या के लिए प्रार्थना करता है। तभी देवी प्रकट होती हैं। रघुनाथ, अगर तुम चाहते हो कि कुएं में पानी आ जाए तो इसके लिए तुम्हें एक त्याग करना होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कैसा त्याग माँ, आप मुझे बताइए, मैं गांव वालों के लिए कुछ भी करूँगा। तो ठीक है रघुनाथ, तुम्हें उस सूखे कुएं में एक ऐसी संतान को डालना होगा जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हो। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं वादा करती हूँ, वो सूखा कुआं सदैव के लिए पानी से भर जाएगा, उस कुएं में कभी पानी समाप्त नहीं होगा। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती हैं। रघुनाथ अपने नौकर के साथ गांव में जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वालों, देवी माँ ने कहा है यदि गांव में कोई ऐसा माता पिता हो जिसका एक इकलौता पुत्र हो, उस पुत्र को कुएं में डालने पर कुएं में पानी आ जाएगा। ये कहकर रघुनाथ अपने नौकर को आदेश देता है। सुनो, तुम पूरे गांव में देखो और पता लगाओ
ऐसा कौन है जिसका सिर्फ एक पुत्र ही हो? वह नौकर पूरे गांव में देखता है और पता लगाता है। कुछ देर बाद वह नौकर रघुनाथ के पास वापस आ जाता है और कहता है, माफ करना मालिक, गांव में ऐसा कोई नहीं जिसका एक ही पुत्र हो। तभी गांव का व्यक्ति रघुनाथ से कहता है, जमींदार साहब, हमारे गांव में तो आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका एक इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति की बात सुनकर रघुनाथ आश्चर्य से सोच में पड़ जाता है। रघुनाथ घर आता है और काफी परेशान होता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसा संकट आ गया है मेरे सामने। इतनी मन्नतों के बाद मुझे एक पुत्र का सुख मिला था और आज मुझे अपने ही पुत्र का त्याग करना होगा। मालती को कैसे समझाऊंगा, वो इसके लिए कभी नहीं मानेगी। तभी रघुनाथ को एक विचार आता है और रघुनाथ मालती के पास जाता है और उससे कहता है, मालती, मुझे अभी तुम्हारे मायके से एक दुखद समाचार मिला है। नौकर ने बताया कि तुम्हारे मायके में आग लग गई है, कुछ भी नहीं बचा। क्या, ये आप क्या कह रहे हो? मेरा बेटा कहाँ है? मैं अभी मायके जाऊंगी। मालती, तुम जल्दी अपने मायके जाओ और बेटे की चिंता मत करो, उसे यहीं रहने दो, मैं उसे संभाल लूंगा। मालती बेटे को रघुनाथ के पास ही छोड़कर मायके चली जाती है। रघुनाथ अपने बेटे को लेकर उस सूखे कुएं के पास जाता है और दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को कुएं में डाल देता है। रघुनाथ के ऐसा करते ही कुएं में खूब सारा पानी आ जाता है। तभी कुएं में देवी प्रकट होती हैं। रघुनाथ, तुम सच में बहुत दयावान और कर्तव्यनिष्ठ हो, मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। ये लो अपना बेटा वापस ले लो, इस कुएं में अब हमेशा पानी भी भरा रहेगा और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास ही रहेगा, सदा खुश रहो। लखनपुर नाम के एक गांव में रघुनाथ अपनी बीवी उमा संग रहता था। रघुनाथ ने बहुत मेहनत से कष्ट करके अपने बेटे सागर को पढ़ाया लिखाया था और एक दिन सागर को शहर में नौकरी का बुलावा आता है और वो शहर में ही रहने लगता है। एक दिन उमा को सागर की बहुत याद सताती है, तभी वो रघुनाथ से कहती है, रघुनाथ जी, मुझे ना सागर की बहुत याद आ रही है, कितने दिनों से उसने फोन भी नहीं किया है, क्यों ना हम शहर चले बेटे से मिलने के लिए। याद तो मुझे भी आ रही है सागर की, काफी दिन हो गए हैं, उसने फोन भी नहीं किया है। ठीक है उमा, बैग बांध लो, हम आज ही निकलते हैं शहर के लिए। उमा और रघुनाथ दोनों शहर के लिए निकलते हैं और वो दोनों जब सागर के घर जाते हैं तभी एक लड़की दरवाजा खोलती है जिसने मांग में सिंदूर भरा होता है और गले में मंगलसूत्र भी पहना होता है। उमा और रघुनाथ ये देखकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तुम कौन हो बेटी? ये तो मेरे बेटे सागर का घर है। हाँ, कहाँ है मेरा सागर? तभी घर के अंदर से सागर की आवाज आती है, भावना, कौन है? कुरियर वाला होगा शायद, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर किए थे इसलिए। इसका मतलब सागर ने शादी कर ली? ऐसे कैसे कर सकता है वो? उमा और रघुनाथ घर के अंदर आते हैं। बेटा सागर, तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। बेटा, हम कितने दिनों से तेरा फोन का इंतजार करते रहे, तूने काफी दिनों से हमसे कोई बात भी नहीं की। हम दोनों को तेरी बहुत याद आ रही थी तो सोचा तुझसे आके मिल लूं और कुछ दिन तेरे पास ही रहकर जाऊं, पर बेटा यहाँ आके पता चला तूने तो शादी कर ली है। सॉरी, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी था। भावना और मेरी शादी को अभी सिर्फ एक महीना ही हुआ है। भावना एक बिजनेसमैन की बेटी है और मैं और ये एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली और आप दोनों को बताने का भी समय नहीं मिल पाया। मैं किसी दिन आप दोनों को फोन करके ये बात बताने ही वाला था, लेकिन आप लोग अचानक आ ही गए। सागर अपने माता पिता से कुछ देर बातें करता है और उन्हें गेस्ट रूम में आराम करने को कहता है। इधर भावना गुस्से से सागर से कहती है, सागर, तुमने तुम्हारे माँ बाप को क्यों बुलाया यहाँ शहर में? अब मेरी फ्रेंड्स आएंगी और इनके बारे में पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी उनसे?
कि ये गांव के लोग मेरे सास ससुर है। इनके कपड़े तो देखो, मेरे सभी फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाकर रख देगी। सागर, तुमने अपने माता पिता को यहाँ बुलाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? अरे भावना, मैंने नहीं बुलाया ही नहीं यहाँ, ये लोग खुद ही अचानक आ गए हैं। वो सब मैं नहीं जानती, मैं अपने अमीर फ्रेंड्स के सामने इन लोगों की वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहती, समझे? मैं इस घर से जा रही हूँ, रहो तुम अपने माँ बाप के साथ। भावना, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं माता पिता से बात करूँगा, ओके? तभी रघुनाथ और उमा दोनों वहाँ आ जाते हैं। बेटा सागर, लगता है हम दोनों का यहाँ आना बहू को पसंद नहीं आया। बेटा तुम दोनों लड़ाई मत करो, हम दोनों सुबह ही वापस गांव चले जाएंगे। तभी वहाँ पर पड़ोसी ओबेरॉय आता है और वो गरीब उमा और रघुनाथ के कपड़ों को देखकर सागर से पूछता है, अरे सागर, ये झोपड़ी के लोग हमारे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? तुम्हारे कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं नहीं ओबेरॉय जी, इन लोगों को किसी और के घर जाना था लेकिन गलती से हमारे घर आ गए। हाँ ओबेरॉय जी, हमारी फैमिली थोड़ी ऐसी फटीचर और गरीब घराने की होगी, ये तो कहीं और जा रहे थे, गलती से यहाँ आ गए हैं। ओह सॉरी सॉरी, शायद मुझसे ही गलत फहमी हो गई। बाय द वे, मैं तुम्हें शाम के लिए इनविटेशन देने आया था, आज शाम को मेरे घर पे पार्टी है, मेरी वाइफ और मेरी 20th वेडिंग एनिवर्सरी है आज। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस, हम जरूर आएंगे, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ओबेरॉय वहां से चला जाता है। सागर और भावना ने जो उस पड़ोसी से कहा वो सुनकर रघुनाथ और उमा की आंखें भर आती है। सागर बेटा, शहर में क्या आ गया, तूने तो हमें पराया ही कर दिया। इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है तू सागर, अरे हम तेरे माँ बाप है, भूल मत, जिस बाप को तू गरीब कह रहा है ना, उसी ने दिन रात खून पसीना एक करके कड़ी मेहनत से तुझे पढ़ाया लिखाया है, जिसके चलते आज तू यहाँ शहर में इस मुकाम तक पहुँच पाया है। बस बस, पढ़ाया लिखाया तो कोई मेहरबानी नहीं की आपने, अगर आप दोनों का इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया हो तो प्लीज आप लोग अपना देख लीजिए। भावना और सागर की तीखी बातें सुनकर उमा और रघुनाथ वापस अपने गांव आ जाते हैं। फिर गांव आने के बाद अपना जीवन यापन करने की खातिर रघुनाथ जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में जाकर बेचने लगता है। वो बहुत मेहनत करता है। एक दिन जब वो जंगल जाता है तभी उसे एक शिकारी दिखता है जिसके पास एक पिंजरा होता है, जिस पिंजरे में एक छोटी सी चिड़िया कैद होती है। वो चिड़िया पिंजरे में झटपटा रही होती है, ये देखकर रघुनाथ को उस पर बहुत दया आ जाती है। बेचारी मासूम चिड़िया, इस हैवान शिकारी ने इसे कैद कर रखा है, नहीं मुझे इससे बचाना ही होगा। तभी जब शिकारी अपना शिकार करने में मगन होता है तभी रघुनाथ शिकारी की नजरों से बचकर पिंजरे को एक सुरक्षित जगह ले जाता है और चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देता है। उसके बाद वो चिड़िया अचानक से एक परी में बदल जाती है। परी को देख रघुनाथ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये चिड़िया एक परी में तब्दील हो गई। हाँ रघुनाथ, मैं एक परी हूँ, मुझे एक बुरे जादूगर ने श्राप दिया था जिससे मैं उस तिलस्मी पिंजरे में चिड़िया बनकर कैद होगी, लेकिन तुमने मुझे उस पिंजरे से आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद रघुनाथ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और तभी वहाँ पर एक गाय प्रकट हो जाती है। ये गाय यहाँ क्यों? ये गाय मैं तुम्हें उपहार के तौर पर दे रही हूँ, ये कोई मामूली गाय नहीं है, ये एक जादुई गाय है जो दिन में दूध देती है और रात होते ही अपने आप सोने की बन जाती है, और जो भी गोबर देती वो भी सोने का होता। धन्यवाद परी। रघुनाथ उस जादुई गाय को अपने साथ ले जाता है। वो जादुई गाय दिन में दूध देती और रात होते ही सोने की गाय बन जाती, जिसका गोबर भी सोने का ही होता है। रघुनाथ और उमा उस गाय को गुप्त जगह रखते हैं ताकि किसी को पता न चले। धीरे धीरे रघुनाथ और उमा दोनों सोने की गाय से मिले धन से अमीर हो जाते हैं और एक बड़े बंगले में रहने लगते हैं और खुद की फर्नीचर की कंपनी खोलते हैं। ये खबर सागर और भावना को मिल जाती है और वो दोनों रघुनाथ और उमा के पास आते हैं। माँ पापा,
हमें माफ कर दो, हम आपके साथ बहुत बुरी तरह पेश आए। हाँ माँ जी, पापा जी, प्लीज, हम दोनों तो आपके ही बच्चे हैं और भूल चूक तो बच्चों से ही होती है, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दो। क्यों, ये तब याद नहीं आया जब उस पड़ोसी के सामने तुम्हारी इज्जत की धजिया उड़ रही थी? हमें गरीब और फटीचर कहा था तुमने, अब हम गरीब नहीं रहे इसलिए आ गए चुंबक की तरह हमें चिपकने? हम तुम दोनों को तुम्हारी गलती के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना हमें, चले जाओ यहाँ से, तुम बेटे के नाम पर कलंक हो, लानत है तुम पर। उमा और रघुनाथ दोनों ही सागर और भावना को उनके किए का सबक सिखाते हैं और जीवन भर जादुई सोने की गाय के जरिए एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं।